दोस्तों मित्र आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस वक्त अभी हमें नारायणपुर पे और पीछे आपको देखने को मिला प्राचीन शिव मंदिर जो कि काफी ज्यादा पुरानी है। और दोस्तों यह जो लोकेशन की बात करें तो नारायणपुर में आपको जो महानदी तट के किनारे ये प्राचीन शिव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और यह जो मंदिर है काफी शांत वातावरण में बसा हुआ है। तो यहाँ का जो लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ का जो सीन है आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस जगह की लोकेशन की दूरी की बातें करें तो कसडोल सिटी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे सिरपुर मार्ग पे स्थित है। आप यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको कसडोल से जो बगार है वहाँ पे आना पड़ेगा। और बगार से लगभग मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे यह जो प्राचीन शिव मंदिर है जो कि काफ़ी शांत वातावरण बसा है आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो मंदिर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पुरानी और यहाँ पर आज भी कभी भी पूजा पाठ नहीं होता है, यहाँ हमेशा ताला है बंद रहता है। तो ये है यहाँ का मेन गेट और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको एक और मंदिर है दिखेगा जिनका मुख आमने सामने आपको देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ देख सकते हैं पत्थर यूज हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े और यहाँ बनाने का जो तरीका आप देख सकते हैं। और लगभग सभी प्राचीन मंदिर आपको कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग का काम है फिलहाल चल रहा है। तो ये सब देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है ताला, यहाँ पे पूजा पाठ नहीं चलता है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे जो स्तंभ है वो आपको देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा पुरानी और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मरम्मत का काम है, रिपेयरिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों मंदिर के पीछे का जो एरिया है नीचे से यहाँ का थोड़ा सा धसा हुआ है आपको देखने के लिए देख सकते हैं ये थोड़ा सा। और यहाँ पे काफी सारे कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये है मुख्य मंदिर और मुख्य मंदिर के जस्ट सामने अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक और मंदिर दिख जाता है। तो ये है छोटा वाला एक और मंदिर जहाँ पे फिलहाल कोई भी मूर्ति तो फिलहाल अभी नहीं है। नारायणपुर पाटिल शिव मंदिर का छोटा सा वीडियो और वहाँ से जुड़ी कुछ जानकारी। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बने रहें। और ये रहा एक छोटा सा ड्रोन शॉट वीडियो।